आज हम स्टार्ट करेंगे 18 फीट 0 इंच और 22 फीट 0 इंच का एक ड्राइंग। ओके, इस ड्राइंग में हम दिखाएंगे एक स्मॉल साइज का प्लान का डिटेल्स। तो चलिए इस प्लान को हम स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर तो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर प्लान का जो वॉल है, इस वॉल को पहले हम यहाँ पर ऐसे मार्क करेंगे। तो हाईलाइट करने के बाद इसको फिल करेंगे जैसे फिल कर रहे हो आज। तो ऐसे यहाँ पर जो हाइट पोर्शन हम यहाँ पर रखेंगे वहीं पर हम इसका जो विंडो उसका पोजीशन हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, ऐसे। इसके बाद ऐसे, इसके बाद यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ठीक है। पीछे में हम इसको फिल कर देंगे। उसके बाद देखिए फॉन्ट में हम एक विंडो रखेंगे यहाँ पर, और इधर भी हम एक विंडो रखेंगे, ठीक है। इस विंडो को हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे क्योंकि देखिए घर का जो वॉल के साथ साथ विंडो भी इसका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विंडो से आपका घर के अंदर जो एयर वेंटिलेशन है वही आएगा। जो भी प्लॉट हम बनाते हैं, सिर्फ यहाँ पर प्रपोजल ड्राइंग है। इस ड्राइंग में हम आपको अगर साइड में जगह कम है या थ्री साइड ब्लॉक है तो आपको फ्रंट साइड में सिर्फ विंडो और इंटरनल जो विंडो है वही प्रोवाइड करना है, बाकी विंडो आपको डिलीट करना होगा क्योंकि ये विंडो का पोजीशन आपको बंद करना पड़ेगा साइड में जो है। उसके बाद आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे इसका जो डोर, इसका पोजीशन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, डोर इसका पोजीशन, ओके, बाकी सब ओपन रहेगा। तो चलिए इसको हम डिटेलिंग आपके साथ शेयर करते हैं। जो डिटेलिंग है यहाँ पर आएगा गेट, तो इधर आएगा एंट्री, यहाँ पर 4 फीट वाइड का एक गेट। स्टेयर हम इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर से भी आप कर सकते हैं, दोनों साइड से आपका ऑप्शन है। इधर से करेंगे तो इधर नीचे जगह मिल जाएगा, इधर से करेंगे तो इधर जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आप जो साइड चूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर डाइनिंग प्लस किचन ओपन किचन, यहाँ पर वेटिंग प्लस ड्राइंग, तो इसका टोटल 8 फीट 7 इंच वाइड और दिस साइड 10 फीट 9 इंच वाइड, 3 फीट ये जो इसको इंक्लूडिंग ए मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर 3 फीट वाइड, यहाँ पर लैंडिंग, ओके। नेक्स्ट हम इसका मेजरमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे 8 फीट 2 इंच, इधर 10 फीट 9 इंच, इधर एक ओपन स्पेस, यहाँ पर डोर, यहाँ पर बाथ ग्लास लैट्रिन 4 फीट 6 इंच और 6 फीट 0 इंच, यहाँ पर डोर, बेडरूम ट्वेल्व फीट 3 इंच और यहाँ पर 10 फीट 0 इंच, ओके। उसके बाद हम इसको जो कॉलम का पोजीशन है थोड़ा सा हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक कॉलम, दो या तीन, 1 2 3, सो 4 5 6 7
नाइन नाइन नंबर्स कॉलम यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। तो आउटसाइड में जो वॉल यहाँ पर 5 इंच वॉल प्रोवाइड करेंगे और इनसाइड में जो वॉल है यहाँ पर 5 इंच वॉल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इधर भी 5 इंच का वॉल, ओके। तो टोटल 18 फीट × 22 फीट इज इक्वल टू 396 स्क्वायर फीट, ओके। इसका टोटल कॉस्ट, तो बिल्डिंग कॉस्ट यहाँ पर आएगा टोटल, देखिए 4, तो मिनिमम मानिए 6 लाख प्लस, ओके। उसके बाद कुछ पॉइंट यहाँ पर हम ऐड करेंगे, जो पॉइंट आपको चाहिए देखिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे। फर्स्ट वन ब्रिक, ओके। टू रेनफोर्समेंट, थ्री सीमेंट, ओके। फोर सैंड, फाइव आपका जो है गिट्टी या स्टोन, ओके। तो ब्रिक्स यहाँ पर जो 400 स्क्वायर फीट के पास आपको मिनिमम 8000 पीसेस प्लस आपको लगेगा। रेनफोर्समेंट आपको 1.5 टन लगेगा। सीमेंट आपको 350 प्लस बैग्स यूज करना है। सैंड आपको लगेगा यहाँ पर 1000 CFT। स्टोन लगेगा यहाँ पर 800 CFT, ओके। और 6 मैसन, वो डिपेंड करेगा आपके एरिया के ऊपर कितना आपका कहाँ पर से काम कर रहे उसके ऊपर, हाँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कॉलम साइज, जो है कॉलम 10 इंच × 12 इंच का कॉलम हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इस कॉलम का जो है 4 नंबर्स 12 mm टॉर हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ऑल कॉलम में। तो इससे क्या होगा, आपका बिल्डिंग का स्ट्रेंथ भी आ जाएगा, ठीक है। तो और जो डोर है इसका हम यहाँ पर 3 फीट वाइड और यहाँ पर 2 फीट 8 इंच वाइड का डोर रखा है, तो डिटेलिंग में। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एक हमने यहाँ पर 3 फीट 6 इंच वाइड यहाँ पर रखा है, जिससे आप घर के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका ट्रेड और राइजर 10 इंच आपका ट्रेड, और जो हाइट आएगा यहाँ पर 6 इंच आएगा, ठीक है। तो यही था टेक्निकल पार्ट, और प्लान अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और टेक्निकल पार्ट में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा।